कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है इस जम्मू की फाउंडेशन, जम्मू शहर कैसे बना, किन कदरों पर बना, और इसके साथ हमारे कल्चर के साथ, हमारी तहजीब के साथ, हमारी सभ्यता के साथ और क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं। तो ये उसको याद करते हुए हमने कहा अगली पीढ़ियों को पता नहीं लगे कि साजिश हुई, हमारी तारीख गुम हो गई, तो इसलिए उसको याद करते हुए 1994 का आप याद होगा जब जनरल के वी कृष्णा राव यहाँ गवर्नर थे, उस वक्त यहाँ राजा जांबुलोचन और शेर बकरी के इनके स्टैचू लगाए थे और उनकी कहानी लिखी थी कि ये शहर जो है ये किन कदरों पर बना और यहाँ कोई छोटे बड़े की तमीज़ के बिना ये सारा भाईचारे के तौर पर ये लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ये वहाँ लगा। उसके साथ ही एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जुड़ी, जब परेड ग्राउंड के अंदर प्रोग्राम हुआ तो ये 13 अप्रैल 1994 का जो स्टैचू लगा और उसके बाद उसी दिन एक बड़ा गजब का मंच बना परेड ग्राउंड के अंदर, वहाँ पर हमारी एक पब्लिक मीटिंग हुई जिसमें, क्योंकि बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल, अनाउंस किया कि हर बैसाखी के दिन यहाँ डुग्गर मेला लगा करेगा, यहाँ पर हमारे आर्टिस्ट, हमारे कल्चर के साथ जितने लोग जुड़े हुए लोग हैं वो अपने अपनी चीज़ें अपने अपनी ढंग से वो यहाँ पर उनकी प्रस्तुति होगी। तो ये उसको नाम रखा डुग्गर मेल, चलता रहा। उसके बाद मैंने जब स्टेट गवर्नमेंट के साथ की ऐसे रखा कि भाई ये डुग्गर मेला जो है इसको आप गवर्नमेंट चलाएं, क्योंकि लद्दाख का चलता है, कश्मीर का चलता है और डोगरों का क्यों ना चले। तो फिर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, सारी गवर्नमेंट हमारे पास आई, उन्होंने कहा कि आप नाम इसका रखो जम्मू फेस्टिवल, और उसके बाद वो गजब का फेस्टिवल चला, हर कम्युनिटी के, हर मज़हब के और हर फील्ड के, हर शोबे के लोग जो हैं उसमें शामिल होते रहे और ये सारा प्रोग्राम चलता रहा। लेकिन आस्ता आस्ता अब उसमें बहुत कमी आ गई है, तो हमने आज आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये मांग रखने का फैसला किया कि भाई अब 13 अप्रैल को बैसाखी है, उस दिन राजा जांबुलोचन को याद करते हुए ये डुग्गर मेले को, जिसको नाम आपने जम्मू फेस्टिवल दिया था और जिसका नोडल डिपार्टमेंट जो है वो टूरिज्म था, अब कल्चर बना दिया आपने, आप फॉर्मेलिटी रह गई थी, आप मेहरबानी करके अभी से सब संस्थाओं को इन्वॉल्व करो और शानदार वो मेला लगना चाहिए। जांबुलोचन के पास रेनोवेशन का काम लगा है और यहाँ के जो CEO हैं ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के, मिस्टर राहुल यादव, उनसे मैंने बात कही तो उन्होंने कहा जी हम यहाँ पर इसको रेनोवेट कर रहे हैं और यहाँ फाउंटेन लगेंगे, बहुत अच्छा तैयार करें। हम सभा की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं जैसे उन्होंने कहा ये गजब का स्थान जो है, ये ऐसा गजब का स्थान है कि यहाँ करोड़ों यात्री जो माता के आते हैं, इन मंदिरों में जाते हैं, वो देखेंगे कि किन कदरों पर ये शहर बना है, और मांग करते हैं कि मेहरबानी करके वो हाइड नहीं होना चाहिए स्टैचू जो है वहाँ पर, अगर कुछ करना पड़ा उसको, जैसे उन्होंने वायदा किया है कि हाइट भी देनी पड़े तो हम हाइट दे देंगे। साथ ही हमने कहा कि फेस्टिवल में डोगरा सदर सभा पूरी तरह इन्वॉल्व होगी, उसमें हम अपने आप को ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि आगे मेला हम ही लगाते थे, अब गवर्नमेंट लगाती है और उसमें कमी रहनी चाहिए। और तीसरी बात, यहाँ पर ये जनरल विज रोड जो है, कई दफ़ा आपके माध्यम से कहा, मुझे अफसोस है कि यहाँ के सियासतदान कहाँ सोए, इलेक्शन तो लड़ते हैं लेकिन कहाँ सोए हैं, जम्मू बट गया है दो हिस्सों में, बड़ा खतरनाक डिवीज़न हुई है जम्मू की, ये सड़क रोकने से कोई मतलब नहीं रोकने का, कश्मीर यहाँ पर मिलिटेंसी का 24 घंटे खतरा है, वहाँ पर सड़क खुली है सेक्टर के पास, तो ये खोल दे ताकि लोग आए जाएं। और इसके साथ साथ हमने ये कहा है कि अगला प्रोग्राम जो है ये हमने यहाँ ही तय किया था और दिल्ली तक हमारा डेलीगेशन गया था, जम्मू के सारे आर्टिस्ट और डोगरा सदर सभा की पूरी टीम, सीनियर लोग, ये मांग की थी कि यहाँ डुग्गर चैनल, दूरदर्शन केंद्र जम्मू से डुग्गर चैनल शुरू करें और सैटेलाइट चैनल हो वो,
ताकि उस पार में जो लोग हैं वो देख सकें, वो तरसते हैं कि अपना कचरा हम देखें, है तो वो डोगरे ही हैं मोस्टली। तो इसलिए जो कुछ गवर्नमेंट कर रही है यहाँ पर, तरह तरह के प्रोपोगंडे होते हैं, उनको काउंटर कर सकें हमने मांग की। और एक बात मैं आज डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, आप आर्टिस्टों को पूछ लो कि हमारा डेलीगेशन, बहुत बड़ा डेलीगेशन दिल्ली गया, और वहाँ उस वक्त के मंत्री ने सिर्फ ये नहीं किया, उसने शाल भेंट किए और सारे अफसरों को बुलाया प्रसार भारती के, और ऑर्डर दिया कि बिल्कुल तैयार करो, ये स्ट्रेंथन करो इस दूरदर्शन केंद्र जम्मू को, और साथ ही डुग्गर चैनल और सैटेलाइट चैनल यहाँ से शुरू करो। तो उस वक्त यहाँ टीम आ गई डोगरा सदर सभा में, बजट भी तैयार हो गया, फैसला भी हो गया, और चलते चलते अब केस चल रहा था, तो जम्मू के कोई पॉलिटिशियन, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, उन्होंने यह कहा कि आप डोगरा सदर सभा के कहने पर कर रहे हो, ये गलत मैसेज आएगा, हमारी पार्टी को कहने पर करो। वो फाइल रुकी, उसके बाद फिर मूव किया, तो फिर हिमाचल के साथ, झारखंड के साथ, सारे जैसे जितने दूरदर्शन केंद्र स्ट्रेंथन करने थे, वो फैसला हुआ, फाइलें चल पड़ी, सिर्फ जम्मू का रुका हुआ है। हिमाचल को भी मिल गया, झारखंड को भी मिल गया, और चार पांच स्टेटों को, सबको दूरदर्शन केंद्र फर्स्ट क्लास स्ट्रेंथन कर दिए गए, जम्मू का कुछ नहीं हुआ। हम ये मांग करना चाहते हैं कि ये दूरदर्शन केंद्र डिजर्टेड है, कुछ नहीं है वहाँ पर, यहाँ स्टाफ नहीं है। जब से स्टाफ कश्मीर से जो आए थे, जब लासा कौल का मर्डर हुआ, तो उसके बाद वही स्टाफ था, आस्ता आस्ता रिटायर होते गए, चलते गए, अब डेली वेजर हैं या नीड बेसिस पर लोग हैं। ये गलत है, ये मजाक है, ऐसी धरती के साथ, ऐसे खित्ते के साथ